बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां शहर कोतवाली पुलिस सर्विस लाइन टीम व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी के निर्देशन में सीओसीटी के नेतृत्व में ओपी लॉन के पास ऑटो पार्ट्स व्यापारी के साथ लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस टीम में अंतर जनपदीय लुटेरों के गिरोह के 4 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बरामद हुई इनका जो मुख्य सरगना है अतुल दिवाकर, वो मौके से फरार होने में सक्षम रहा है और उसको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। इसमें उचित धाराओं में मुकदमा लिखकर जो पुलिस मुठभेड़ है उसके क्रम में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है और इसमें आगे गैंगस्टर और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या निकल गई है इसकी? ये जो नए 4 लड़के हैं रवि, आजाद, नीरज, शिवम, इनकी अभी तक कोई एसएच क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो इनका मुख्य सरगना है अतुल दिवाकर उसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो पहले भी इस तरह के कृत्य में जेल जा चुका है। पुलिस ने कैसे खुलासा किया, इसका कैसे सुराग लगाया? जो ये सुराग लगा है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों के द्वारा, जो भी हमारी टीम लगी हुई थी उसके द्वारा इसका सुराग पता चला था। पुलिस को कुछ क्लूज मिले थे जिसके आधार पर इसका अनावरण किया गया। योजना इन्होंने किस तरह से बनाई थी, जो इनका सरगना अभी फरार है, तो किस तरह से योजना इस तरीके से बनाई थी? एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये जो गगन कटियार जी हैं, इनका ऑटो पार्ट्स की जो दुकान है उनकी इन्होंने रेकी करी थी इनकी दुकान की, और इन्हें पता था कितने बजे जाते हैं कितने बजे आते हैं, और इनको ये भी पता था कि ये कुछ पैसे अपने साथ में लेके जाते हैं। उस तरीके से उस दिन इन्होंने रेकी करके, जब ये वहाँ पर रास्ते में कादरी गेट के आगे आए तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।